हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पल्लवीज किचन। आज हम बनाएंगे शाही टोस्ट। शाही टोस्ट वैसे तो बनाना बहुत ही आसान है, बस दो तीन चीज़ों का इसमें हमें खास ख्याल रखना होता है। तो चलिए देखते हैं शाही टोस्ट कैसे बनाया जाए। शाही टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम रबड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। रबड़ी बनाने के लिए हमने लिया है 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क, छोटा चम्मच केसर, 1 छोटा चम्मच चिरौंजी, 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और थोड़े से कट किए हुए ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ बादाम लिए हैं पर आप आपके पसंद के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम कढ़ाई में दूध उबलने के लिए रख देंगे। गैस हम एकदम लो फ्लेम पर ही रखेंगे ताकि नीचे से दूध कढ़ाई में लगे नहीं। दूध को बीच बीच में हमें चलाते रहना है। दूध में अब उबाल आ गया है और हम देख सकते हैं कि दूध के ऊपर मलाई की एक परत जम गई है। इसी मलाई की परत को हम कढ़ाई के साइड्स पर इस तरीके से लगा देंगे और दूध को हम फिर से उबलने के लिए रख देंगे। फिर से मलाई तैयार होने पर हम मलाई की परत को हटा के साइड्स में लगा देंगे और ऐसा हमें तब तक करना है जब तक हमारा दूध 1/3 ना बच जाए और अच्छा गाढ़ा ना हो जाए। पर गैस की फ्लेम पूरे टाइम हमें लो पर ही रखनी है। तो अब हम देख सकते हैं कि दूध हमारा अच्छा गाढ़ा हो गया है और एकदम 1/3 बच गया है। तो अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, साथ ही में चिरौंजी, थोड़े ड्राई फ्रूट्स और केसर डाल के अच्छे से सभी चीजें मिक्स कर लेंगे। और अब साइड की मलाई को भी हम निकाल देंगे और सभी चीजें फिर से अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। बनके तैयार है हमारी रबड़ी। इसे हम 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करके पूरी तरीके से ठंडा कर लेंगे। जब तक रबड़ी ठंडी होती है तब तक हम हमारे शाही टोस्ट के लिए चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी। हमें दोनों भी चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में ही लेनी है। कढ़ाई के गर्म हो जाने पर हम पानी और चीनी दोनों डालकर चीनी के घुलने का वेट करेंगे। हमें चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, इसलिए हम इसे केवल 1 उबाल देकर ही गैस बंद कर देंगे। अब चाशनी को पूरा ठंडा होने देंगे और जब तक ये चाशनी हमारी ठंडी होती है हम टोस्ट बनाकर भी तैयार कर लेते हैं। टोस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड स्लाइसेस, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा श्रेडेड कोकोनट गार्निशिंग के लिए और ऑयल फ्राइंग के लिए। अब सबसे पहले हम इन सभी ब्रेड स्लाइसेस को इस तरीके से डायगोनली कट करके ट्रायंगल शेप दे देंगे। ये सभी ब्रेड स्लाइसेस अब तैयार हो चुकी है और अब हम एक एक कर इन्हें फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने पर इन्हें हम निकाल लेंगे। हमारी चाशनी अब पूरी तरीके से ठंडी हो गई है और अब हम इन ब्रेड स्लाइसेस को चाशनी में दोनों तरफ से डिप करके तुरंत ही निकाल लेंगे। हमें बहुत देर तक टोस्ट को इसमें डिप करके नहीं रखना है, नहीं तो टोस्ट हमारे क्रिस्पी नहीं रहेंगे और एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये सभी टोस्ट बनकर अब तैयार है।
और अब हम इस पे रबड़ी की एक लेयर लगाएंगे। इस पे डालेंगे थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ नारियल, साथ ही में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो ये बन गई हमारी शाही टोस्ट की रेसिपी और अब ये शाही टोस्ट खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके भेजिए। अगर आपके कोई सजेशंस हो तो मुझे ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।